न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हरविंद कुमार सिंह। मुजफ्फरनगर के खतौली नगर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल पर मरीज की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लेट लतीफी व लापरवाही की वजह से मरीज की जान चली गई। अगर समय रहते इलाज कर दिया गया होता तो जान बच सकती थी। मरीज की मौत के बाद अस्पताल स्टाफ और परिजनों के बीच जमकर कहासुनी के बाद मारपीट हो गई, जिसके चलते मृतक के परिजनों में एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। अस्पताल स्टाफ द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसमें मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनकर दोनों पक्षों से कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। नाम आपका? राजेश। राजेश जी, क्या हुआ है पूरा मामला? पेशेंट था हमारा, बिल्कुल ठीक ठाक था, बिल्कुल उनके हार्ट में थोड़ी सी दिक्कत सी हो रही थी। वैसे शुगर दी उन्हें, शुगर दी का चेक कराई, डॉक्टर को बुलाया, उन्हें कि मैं नीचे आऊँ, वो नहीं आया काफ़ी देर तक। अब वो पेशेंट ने कभी राग नहीं सुन दिया, एडवांस पैसे दिए 500 रुपये, हाँ भी दिखा दो। लोग उतर गए, उन्होंने देखा, उनका ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर जब 11 बजे का दो आदमी बुलाओ, ऊपर ले जाओ, कमरे में शिफ्ट करना है। मैं क्या दिक्कत है, आप अपने स्टाफ को बुलाओ, बुलाओ, हम अकेले हैं। अब फिर उन्हें इतने में थोड़े ऊपर ले गए, इतना डेथ हो गई। अस्पताल पर हंगामे की सूचना है सर, क्या है पूरा मामला? ये खतौली में एक प्राइवेट नर्सिंग होम है, उसमें परिजनों द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उनका जो मरीज क्रिटिकल कंडीशन में भर्ती कराया गया था, वो वहाँ पे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने डॉक्टर पर डाली है। डॉक्टर और स्टाफ का कहना है कि उनके द्वारा कोई लापरवाही नहीं की गई, बल्कि ये हार्ट अटैक का केस था, जो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से डील किया है। मामले की जांच की जा रही है। इसमें सर गिरफ्तार भी किया किसी को? मामले की जांच की जा रही है, मैंने बताया।